और एक बड़ी खबर आ रही है और इवन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है शुक्रवार तक कि प्रदूषण संबंधित डेटा मांगा है और पूछा कि इवन ऑड फॉर्मूले से कितना कम हुआ है प्रदूषण। शुक्रवार को हाई कोर्ट ये तय कर सकता है कि क्या इस फॉर्मूले को जारी रखा जाए या इस पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल आज की सुनवाई चल रही है। बात करते हैं न्यूज़ संवाददाता आशीष सिन्हा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जो दिल्ली सरकार ये कहती आ रही है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक जो इवन ऑड का फॉर्मूला दिल्ली में लागू हुआ है वो ट्रायल बेसिस पर हुआ है, उस पर आज हाईकोर्ट ने सवाल खड़े कर दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर ट्रायल बेसिस पे ही आपको ये फॉर्मूला चलाना था तो 15 दिनों का समय क्यों? 7 दिनों में भी ये नापा जा सकता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण इवन ऑड फॉर्मूले की वजह से कितना कम हुआ है। दिल्ली सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आखिर 15 दिनों का उन्होंने समय क्यों लिया। दूसरी अहम बात, इवन ऑड फॉर्मूला दिल्ली में जब से लागू हुआ है यानी 1 जनवरी से 6 जनवरी तक, उस दौरान वायु प्रदूषण में कितनी कमी आई है ये सारा डाटा शुक्रवार के पहले दिल्ली सरकार। बहुत शुक्रिया आशीष। तो शुक्रवार तक दिल्ली सरकार को जवाब देना है कोर्ट में।